जो शख्स कोमा में थी इतने साल से, अब उस शख्स को होश आ जाएगा और वो सीधा आर्यमन के घर में आ जाएगी। और जैसे ही वो ये देखेगी कि आर्यमन की शादी जानवी से हो रही है, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और इस शादी को रोकने के लिए वो कुछ तो करेगी, पर अफसोस ये शादी होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस शादी के बाद अब जानवी के सामने एक अतीत का राज खुलता नजर आएगा और जानवी को ये पता चल जाएगा कि ज्ञान किसी और का बेटा नहीं बल्कि आर्यमन का ही बेटा है और ये शख्स आर्यमन की ही बीवी है। लेकिन यहाँ पर जानवी का अब दिल टूट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जानवी भी ये एहसास करती नजर आएगी कि वो आर्यमन से प्यार करती है। तो क्या अब आने वाले अपकमिंग ट्रैक में काफी सारे हंगामे, काफी सारे तमाशे देखने को मिलेंगे? तो आगे की डिटेल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।